इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले में इन दिनों इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी का क्रेज जोर पकड़ रहा है, लेकिन इस बीच सिवनी रोड में बैटरी वाली गाड़ी जलने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिवनी रोड के पेट्रोल पंप के पास चलती गाड़ी में अचानक सीट के नीचे से धुआं उठने लगा था। वाहन चालक के द्वारा पेट्रोल पंप के पास वाहन को रोककर पंप कर्मियों की मदद से अग्निशामक यंत्र की सहायता लेकर आग को बुझाने की कोशिश की गई। तब तक आधी गाड़ी में आग लग चुकी थी। बस 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 सीट करना, सीट करना भैया, सीट खोलते बनेगा क्या किसी को? खोल दो खोल दो खोल दो सीट खोल दो सीट खोल लो भाई, ब्लास्ट ना हो जाए, जल्दी खोलो सीट। दशहरा मैदान में आज भाजपा के मोर्चों और प्रकोष्ठों के संयुक्त सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद और कट्टरवाद से है। जो लोग जिन्ना को अपना मानकर उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, ऐसे तत्वों से देश को खतरा है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक नेता का आधार कार्यकर्ता ही है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर नेता इतराते और बल खाते हैं। कार्यकर्ता नेता और पार्टी की नींव होते हैं। सम्मेलन में भाजपा के सातवें मोर्चे और समस्त प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रभारी संतोष पारिक, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, सिवनी के पूर्व विधायक नरेश दिवाकर सहित वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में पहली बार कोई सेना को खुली छूट दी गई और छूट देने के कारण ही आज सेना घुस करके मार रही है। दीदी कह रही थी ना कि तुम जब जब उग्रवाद आतंकवाद का साथ दोगे, आतंकवादी बनोगे, तो मैं घुस करके मारूंगी। मैं कह रहा हूं आने वाले दिन मोदी रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। आज कश्मीर में सेलेक्टेड किलिंग कर रहे हैं और ये राहुल गांधी जाकर के हाथ मिला रहे हैं मुफ्ती से, महबूबा से। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप तन मन से सारे मंच मोर्चा बूथ तक जाए और बूथ तक जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। मैंने कल ही कहा था, मैंने अधिकारियों से भी कहा है, लाल गांव का कांड दूसरा नहीं हो छिंदवाड़ा में। सम्मेलन के बाद सर्किट हाउस में गिरिराज सिंह ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए वर्ष 2014 के पहले और वर्ष 2014 के बाद के तुलनात्मक आंकड़े बताए और कहा कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत को विश्व की सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली आर्थिक शक्ति मान रही है। उन्होंने कहा कि एक वो नरेंद्र थे जो स्वामी विवेकानंद बन गए और पूरी दुनिया में भगवे का मान बढ़ाया था। आज एक और नरेंद्र मोदी समूचे विश्व में भगवा फहरा रहे हैं। जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो देश के गरीब महिला केवल 2,35,00,000 थे। 2011 के सेंसस के मुताबिक 19,00,000 ग्रामीण घर है। घर बनते हैं, समाज बढ़ता है, लेकिन मैं 2011 के आंकड़े के मुताबिक हमने तय किया कि 10,00,000 को 2024 तक NRLM में आजीविका मिशन में सम्मिलित करूंगा।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश सचिव राजकुमार सरेआम द्वारा श्री प्रसाद कुमरे, अशोक मस्कोले और कृष्ण उइके को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बताया जाता है कि 16 फरवरी को तामिया के इटावा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक पदाधिकारी की पिटाई के मामले में इन पर कार्यवाही हुई है। पार्टी विरोधी गतिविधि से लिप्त है, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया एवं आगामी जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में चर्चा की गई, इसमें चार लोगों को निष्कासित किया जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए गए। जांच में पाया गया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला सदस्य रहे श्री प्रसाद कुमरे, अशोक ध्रुवे, कृष्ण ध्रुवे, इनको आज के जो प्रस्ताव लिए गए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, इनको दोषी मानते हुए इनकी प्राथमिक सदस्यता को समाप्त कर समस्त दायित्वों का भार मुक्त कर इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज संबल योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत लाभ दिया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के 27,310 श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संबल योजना के अंतर्गत 606 करोड़ रुपए का भुगतान मऊगंज जिला रीवा से वन क्लिक के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के 804 हितग्राहियों को 17,56,00,000 रुपए की राशि का लाभ होगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन, निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार को परासिया सचिव और रोजगार सहायक केंद्र के द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। सचिवों ने बताया कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हम लोगों को 3 माह से सचिव लोगों का वेतन नहीं मिला और सहायक सचिव को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। इन सभी मांगों को लेकर के हमने आज अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और जो कार्य हमसे अनावश्यक रूप से करवाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड, जो स्वास्थ्य विभाग का काम है हमसे कराया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि मूल जिस विभाग का काम है उस विभाग को सौंपा जाए। 6 तारीख को मैं कलेक्टर को स्वयं ज्ञापन दूंगा इस संबंध में और 15 दिवस की जानकारी देने के बाद में 21 तारीख को मैं इसके लिए धरने पर बैठूंगा कि स्पष्ट तौर पर पूरे जिले में जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए मेरे पास एक ही रास्ता बनता है कि जिला प्रशासन जो है वो मौन रूप से प्रशासन के साथ में मिलकर सिर्फ और सिर्फ दोहन का काम कर रहा है। जो पंचायत कर्मचारी हैं उनका दोहन हो रहा है और इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कि उनके जीवन में जो सुख है वो समाप्त हो गए। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें आज पहला मैच एससी क्लब छिंदवाड़ा और फ्रेंड्स क्लब छिंदवाड़ा के बीच खेला गया। एससी क्लब ने फ्रेंड्स क्लब को 56 रनों से हराया, जबकि दूसरा मैच बालाजी क्लब ने सिम्स क्लब को 5 विकेट से हराया।
बढ़ती महंगाई और जनविरोधी नीतियों को लेकर क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को महंगाई का पुतला दहन कर विरोध जताया। बजट के तुरंत बाद रसोई गैस के बड़े दामों को लेकर आक्रोश जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक और अपना बजट पेश कर सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर रसोई गैस के दामों में वृद्धि कर हर परिवार का बजट बिगाड़ा है। आंदोलन में कुकड़ा एवं खजरी के कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने महंगाई का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष दिगंबर ठाकरे, समन्वयक भैयाजी शिवरे, सुरेश कपाले, लाल साहब सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गैस की मूल प्राप्ति, गैस की मूल प्राप्ति, गैस के मूल वृद्धि के विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवराज सिंह मामा मध्य प्रदेश बोल रहे, कहते हैं कि मैं बहनों को 1000 रुपए महीना दूंगा, ये उसमें इतनी ज्यादा टूटिया है कि उनको कितने लोगों को मिलेगा ये आने वाला समय बतलाएगा। और बहनों को बोल दिया कि 1000 रुपए दूंगा और इधर बजट में देखो तो 50 रुपए गैस पे बढ़ा दिया। गैस हर परिवार में कितनी लगती है हर माह ये हर किसी को पता है, और एक परिवार में एक बहन को कितना मिलेगा वो भी सबको पता है। इन्हीं बातों को लेकर के हम आज यहाँ पे गैस एक उग्रा आंदोलन किए। महापर्व अष्टमी का इन दिनों जिन मंदिरों में मनाया जा रहा है, इस दौरान पूजन अर्चन के साथ विद्वानों के प्रवचन भी हो रहे हैं। स्वाध्याय भवन में अलीगढ़ से पधारे पंडित अशोक कुमार लुहाड़िया एवं करेली से पधारे मंगलारती अनुभव शास्त्री के मंगल प्रवचनों में समस्त जिनवाणी का सार ज्ञान भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा की महिमा जानी। चेतना के गीत हम नित गुनूंगा, चैतन्य का बनाऊं चैतन्य रहूंगा, चैतन्य का बनाऊं चैतन्य रहूंगा। हिंदी विषय पर 2 दिनी राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शनिवार को पीजी कॉलेज में शुभारंभ हुआ। पहले दिन हिंदी के विद्वानों ने हिंदी भाषा और नवप्रयोग विषय पर अपने शोधपरक विचार रखे। संगोष्ठी के शुभारंभ पर राजभाषा विभाग नागपुर के डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा कि हिंदी हिंसा या हठ से नहीं हृदय को जीत कर आगे बढ़ रही है, हिंदी अपना दायरा छोड़कर आगे बढ़ रही है।